नेपालपुर में गौतमपुरा के गांधी चौक में कांग्रेस पार्टी ने जिन समस्याओं को लेकर धरना दिया, दरअसल धरना पुलिया सड़क समस्या और फसलों के भाव को लेकर तमाम समस्याओं को लेकर किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस कार्य को करने की कोशिश करता हूं, पूर्व विधायक मनोज पटेल कुछ ना कुछ हड़ंगा लगा देते हैं। वही विधायक विशाल पटेल ने कई बार गांधी चौक से नगर में चल रहे अवैध जुआ सट्टा बंद कराने की घोषणा की, लेकिन अभी तक रोक नहीं लगाई जा सकी। हालांकि एक बार फिर से कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद मौजूद रहे। आप हैं मौज में, व्यापारी रो रहा काम की खोज में, किया रे दिन सब ची का हाई रेट भी तो किया रे दिन सब ची का हाई रेट। और यहाँ के पूर्व विधायक जी सत्ता में चूर, कहीं ना कहीं वो अपने आप को यहाँ का खुदा मानने लग गए हैं। आम जनता के हित कार्य करने की बजाय जो अगर हित कार्य कोई कर रहा हो उस पर अड़ंगा डालना, जुआरी सटोरियों को बढ़ावा देना, ये उनका कार्य है। यार किस तरह के मंगी डेरी सरकार, कोई सुनने को तैयार नहीं है तो उसके बाद बचता है केवल आंदोलन प्रदर्शन, वो भी गांधीवाद तरीके से कांग्रेस की रीति नीति के आधार पर जो हम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि ये करने की नौबत क्यों आ रही है। ये इसीलिए आ रही है कि ये विकास के काम में रोड़ा जो अटका रहे हैं बीजेपी के नेता और अन्य पूर्व विधायक। पूरा मैं आज मैं पहली बार आया हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो जान के रास्ते में मुझे विशाल पटेल जी ने यहाँ की स्थानीय समस्याओं के संबंध में जानकारी दी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिंह बहुत छोटी छोटी जन सामान्य से जुड़ी हुई बातें जिसमें लोगों की लाइफ की भी रिस्क है।